स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम चैप्टर 3 करने वाले हैं वाटर। तो एक्सरसाइज 3A से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि वाटर एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट्स, डिस्कस करना है। तब इसमें देखो जो बुक में आंसर है वो बहुत ही छोटा आंसर है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैंने दिया हुआ है कि जो वाटर होता है फ्री स्टेट में सॉलिड लिक्विड गैस तीनों स्टेट में पाया जाता है। सॉलिड में लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर है जो कि स्नो और आइस के फॉर्म में है। लिक्विड स्टेट की बात करें तो मोस्ट ऑफ वाटर जो है प्रेजेंट है ओशियन में, सी में, रिवर्स में, लेक्स में और पॉन्ड्स में। गैसीय स्टेट की बात करें तो वाटर प्रेजेंट है एयर में इन फॉर्म ऑफ वेपर। व्हेन दीज वेपर्स कंडेंस दे फॉर्म क्लाउड्स, मिस्ट एंड फॉग। तो तीनों ही स्टेट में वाटर है और ये डिस्कस करना था, इसलिए इसको थोड़ा सा लेंदी बनाना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वॉइज वाटर कंसिडर्ड एज कंपाउंड, कि वाटर कंपाउंड क्यों कंसिडर्ड है। तो ये भी बुक में मिला नहीं सही से। तो देखो बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड टूगेदर इन अ फिक्स रेशियो 1:8 बाई मास एंड ऑल्सो कंपोनेंट ऑफ वाटर कांट बी सेपरेटेड बाई फिजिकल मैथड। जो फिजिकल मैथड से आप वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग नहीं कर सकते हो, लेकिन कैन बी सेपरेटेड बाई इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि वाई डज टेम्परेचर इन मुंबई एंड चेन्नई नॉट फॉल एज लो एज इट इज इन दिल्ली। तो ये आंसर जो है पेज नंबर 35 पे है आपका, और आंसर में जो रीजन होगा वो यही रीजन होगा कि ड्यू टू इट्स हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी द प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज एबल टू मॉडिफाई द क्लाइमेट of the nearby land areas, making them warmer in winter and cooler in summer. Land and sea breezes also take place because of this great moderating property of water. तो जो सी और ओशियन के बगल में पड़ता है तुम्हारा, है ना, मुंबई और चेन्नई, तो इसीलिए वहाँ पे जो है टेम्परेचर ज़्यादा फॉल नहीं करता जितना कि दिल्ली में होता है। इसमें थर्ड वाले में बी पार्ट भी है। अब बी पार्ट कह रहा है कि गिव द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी, कि प्रॉपर्टी बतानी है वाटर की जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। तो देखो जो हमारी बॉडी है ऑलमोस्ट 65% जो है वाटर की है, और वाटर के पास प्रॉपर्टी होती है स्पेसिफिक हीट की। तो ड्यू टू हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर होता है वो एबल होता है मॉडिफाई करने में क्लाइमेट ऑफ द बॉडी। जैसे अभी पढ़ा ना सी और एरियाज और कोस्टल एरियाज का, मुंबई और चेन्नई के, तो वैसे ही बॉडी में लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर है तो वो मॉडिफाई करेगा क्लाइमेट ऑफ बॉडी को और कंट्रोल करेगा टेम्परेचर ऑफ बॉडी जो कि वार्म होता है विंटर में और कूलर होता है समर में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, कमेंट करना है। पेज नंबर 35 पे ही देखो कि वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहा गया है, कि वाटर रिमार्केबल सॉल्वेंट है। ये डिसॉल्व करता है बहुत सारे सब्सटेंसेस को, फॉर्म करता है एक्वियस सॉल्यूशन यानी वाटरी सॉल्यूशन किसी भी चीज का, ना कि सिर्फ सॉलिड बट ऑल्सो गैसेज और लिक्विड डिसॉल्व होते हैं वाटर में। हेंस इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड एब्सोल्युटली प्योर वाटर इन नेचर, मतलब प्योर वाटर नेचर में नहीं मिलता, कुछ ना कुछ इसके अंदर मिला हुआ रहता है। फॉर द सेम रीजन इसी वजह से इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि वॉट कॉजेज द वायलेंस एसोसिएटेड विथ टोरेंटियल रेन। तो ये भी पेज नंबर 35 पे है। तो देखो ये सडन रिलीज होता है लेटेंट हीट का ऑफ कंडेंसेशन जिसकी वजह से जो है कि वायलेंस होता है एसोसिएटेड विथ टोरेंटियल रेन। ठीक है, जब वाटर कंडेंस करता है तो क्या करता है, वो एनवायरनमेंट से कोल्डनेस ले लेता है और ढेर सारा जो है कि लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन रिलीज होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि विच प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इनेबल इट टू मॉडिफाई द क्लाइमेट। तो कौन सी प्रॉपर्टी है जो मॉडिफाई करती है क्लाइमेट को, अभी बॉडी वाला भी देखा और महाराष्ट्र और वो मुंबई चेन्नई का भी देखा, तो प्रॉपर्टी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बी वाला है कि डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वेरी करता है विद टेम्परेचर, व्हाट आर इट्स कंसिक्वेंसेस, देखते हैं पेज नंबर 34 पे टेक्स्ट बुक में।
तो पेज नंबर 34 पे देखो, एनमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर में गिवन है कि वाटर के पास एक अनयूजुअल प्रॉपर्टी होती है कि जब इसे ठंडा किया जाता है तो पहले ये कॉन्ट्रैक्ट करता है जैसे कि दूसरे लिक्विड करते हैं, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे ये स्टार्ट होता है एक्सपेंड करना और कंटिन्यू होता है टिल द टेम्परेचर रीचेज टू 0 डिग्री सेल्सियस एट द पॉइंट, और ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे कि वाटर फ्रीज कर जाता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो प्रॉपर्टी है एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर की, इनेबल करती है मैरिन लाइफ को एग्जिस्ट करने में इन कोल्डर रीजन ऑफ वर्ल्ड, क्योंकि इवन वाटर फ्रीज कर जाता है सरफेस पे तो नीचे का जो वाटर रहता है आइस लेयर से नीचे का, वो जो है ज़्यादा टेम्परेचर पे रहता है। जैसे यहाँ डायग्राम में देख सकते हो कि ये जो आइस फॉर्म है, तो देखो नीचे का जो वाटर है, ये देखो नीचे जितना डेप्थ में जा रहा है उतना ही टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है, तो जिसकी वजह से मैरीन लाइफ नीचे पॉसिबल रहती है। क्वेश्चन नंबर 6 का सी है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन वाटर ऑन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ऐसे तो इम्प्योरिटीज की वजह से इंक्रीज कर जाता है बॉइलिंग पॉइंट और डिक्रीज कर जाता है फ्रीजिंग पॉइंट। तो पेज नंबर 34 पे है, यहाँ पे क्लियरली देखो मेंशन है, यहाँ पे देखो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑल्सो इंक्रीजेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज इन इट। और उसी के जस्ट नीचे है कि द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑल्सो डिक्रीजेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज इन इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, हाउ डू फिशेज एंड एक्वेटिक एनिमल्स सर्वाइव इन विंटर्स वेन द पॉन्ड गेट्स कवर्ड विथ थिक आइस। तो 6 का सी, अरे सॉरी 6 का बी, 6 का बी जो आंसर था कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं जो कि वाटर डेंसिटी वाटर की वेरी करती है टेम्परेचर के साथ। तो सेम आंसर पे आ जाओगे तुम यहाँ पे, या यहाँ से भी डायरेक्टली लिख सकते हो कि द प्रॉपर्टी ऑफ एनमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर इनेबल मैरीन लाइफ टू एग्जिस्ट इन कोल्डर रीजन ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज इवन वेन वाटर फ्रीजेज ऑन द सर्फेस, सर्फेस से बर्फ जम गई हो पूरी, इट रिमेन्स अ लिक्विड बिलो द आइस लेयर एज द डेंसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ आइस एंड आइस इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो इसके वजह से जो नीचे का सर्फेस रहता है वो बिल्कुल लिक्विड स्टेट में रहता है और 0 डिग्री से ज़्यादा रहता है टेम्परेचर, 4 डिग्री सेल्सियस, तो इसलिए मैरीन लाइफ पॉसिबल होती है, इवन जो पॉन्ड्स वगैरह है उसमें टॉप सर्फेस फ्रीज कर गया हो तब भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट विच इट इज फॉर्म्ड। दो ही एलिमेंट है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो बताना ये है कि जो वाटर की प्रॉपर्टीज हो है, वो जो है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बिल्कुल डिफर करती है, तो इसको डिस्कस करना है। तो देखो यहाँ पे वाटर कैसा है, तो वाटर क्लियर है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है और ट्रांसपेरेंट है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की भी बात करें तो ये दोनों भी कलरलेस हैं, ऑर्डरलेस हैं, टेस्टलेस हैं और नॉन पॉइजनस गैसेस हैं। अच्छा, जो वाटर है वो डिजॉल्व करता है बहुत सारी चीज़ें और इसीलिए इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं, और जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन है ये स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं वाटर में। अब यहाँ पे वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे, और जबकि ऑक्सीजन जो है हैवियर होता है एयर से, और वेयर एवर हाइड्रोजन जो है क्या होता है लाइटेस्ट है एमंग ऑल एलिमेंट, सब में सबसे हल्का कौन है हाइड्रोजन। अब एक और पॉइंट यहाँ पे मैंने नहीं मेंशन किया है कि ऑक्सीजन जो है सपोर्ट करता है कंबशन को, और हाइड्रोजन जो होता है हाईली कंबस्टिबल गैस है, और जबकि वाटर क्या करता है, वाटर एक्सटिंग्विश कर देता है फायर को। तो ये फोर्थ पॉइंट भी आप अपने से लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, हाउ इज एक्वेटिक लाइफ बेनिफिटेड बाई द फैक्ट दैट वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो अब देखो यहाँ पे कि जो प्रॉपर्टी है एनमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर का इनेबल करता है एक्वेटिक लाइफ को एग्जिस्ट करने में, क्योंकि वाटर जो है फ्रीज कर जाता है टॉप पे, वो उसके बाद भी स्टिल लिक्विड रहता है बिलो द आइस लेयर, जिसकी वजह से जिंदगी पॉसिबल है मेरीन लाइफ। क्वेश्चन नंबर 10 है कि वॉट आर योर ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन वेन टैप वाटर इज बॉइल्ड एंड इवेपोरेटेड इन वॉच ग्लास। तो पेज नंबर 35 पे ये एक्सपेरिमेंट है, यहां पे देखो, यहां से स्टार्ट करो कि वेन ऑल द वॉटर हैज इवेपोरेटेड फ्रॉम द वॉच ग्लास, वॉच ग्लास से जब सारा का सारा वॉटर इवेपोरेट हो जाएगा
तो रिमूव इट फ्रॉम द बर्नर एंड लेट इट कूल, उसे ठंडा होने दो। क्या ऑब्जर्व होगा? ऑन लुकिंग एट द वॉच ग्लास अगेंस्ट लाइट, लाइट के सामने अगर आप देखोगे, अ नंबर ऑफ कंसेंट्रिक रिंग्स ऑफ सॉलिड मैटर आर सीन। तो यही ऑब्जर्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट इन वाटर। ये भी सेम पेज नंबर 35 पे है कि क्या इम्पोर्टेंस है। तो देखो, जो सॉल्ट डिजॉल्व है वाटर के अंदर, उनका क्या बेनिफिट है कि ये सॉल्ट और मिनरल जो है इसेंशियल होते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ प्लांट के लिए, और ये वाटर में टेस्ट ऐड करते हैं, और ये सप्लाई करते हैं इसेंशियल मिनरल जो कि हमारी बॉडी को चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है कि स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ सोलिबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन वाटर। तो जस्ट बगल में पेज नंबर 36 पे देखो, ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि मैरीन लाइफ लाइक फिश यूज द ऑक्सीजन ऑफ द एयर डिजॉल्व इन वाटर फॉर रेस्पिरेशन। जो मछलियाँ वगैरह हैं वो रिस्पायर करती हैं और यूज़ करती हैं ऑक्सीजन जो कि डिजॉल्व है वाटर के अंदर, और इसकी वजह से जो एक्वेटिक लाइफ है वो सस्टेन होती है। एक लीटर ऑफ वाटर जो है कंटेन करता है 40 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड से क्या यूज़ है? तो एक्वेटिक प्लांट जो है अपना खाना बनाते हैं, इसको यूज़ करते हैं डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस के लिए, और प्रिपेयर करते हैं अपना फूड। तो ये बेनिफिट है आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के होने की वजह से इन वाटर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि हाउ इज एयर डिजॉल्व इन वाटर डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी एयर। तो ये भी पेज नंबर 36 पे है कि डिफर कैसे करता है। तो यहाँ पे देखो कि जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा सॉल्युबल है वाटर में एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। तो कंपोजिशन ऑफ एयर डिजॉल्व इन वाटर इसीलिए डिफर करता है ऑर्डिनरी एयर से, और ऑर्डिनरी एयर में क्या है कि सबसे ज्यादा एबंडेंट में कौन है? नाइट्रोजन है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो, आइडेंटिफाई करना है ABCD। फर्स्ट वन आपके लिए किया हुआ है कि जो सॉलिड है वो कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, एरो यहां बना हुआ है। तो ए वाले को बता दिया है पहले कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो अब देखो, जो लिक्विड है वो एरो जा रहा है किसकी तरफ? गैस की तरफ। लिक्विड से गैस हो रहा है, तो ये बी पार्ट क्या कहलाएगा? जब लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है तो ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। और फिर देखो, ये गैस जो है कंडेंस हो रहा है लिक्विड में, तो गैस का कंडेंस होना लिक्विड में लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन हो जाएगा आपका सी वाला। और लास्ट जो है लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड में, तो ये हो जाएगा लेटेंट हीट ऑफ सॉलिडिफिकेशन डी वाला। क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक्सप्लेन करना है व्हाई बॉइल्ड और डिस्टिल्ड वाटर टेस्ट फ्लैट। नेक्स्ट है कि आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड हैज ग्रेटर कूलिंग इफेक्ट देन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। सी वाला है कि बर्न कॉज्ड बाय स्टीम मोर सीवियर देन बर्न कॉज्ड बाय बॉइलिंग वाटर। डी वाला है कि रिवर एंड लेक्स डू नॉट फ्रीज इजिली। फिर ई पार्ट है कि एयर डिजॉल्व इन वाटर कंटेंस अ हायर प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन। एफ वाला है, इफ डिस्टिल्ड वाटर इज केप्ट इन अ सील्ड बॉटल फॉर अ लॉन्ग टाइम इट लीव्स एचिंग्स ऑन द सर्फेस ऑफ द ग्लास। और नेक्स्ट है कि रेन वाटर डज नॉट लीव बिहाइंड कंसेंट्रिक रिंग्स वेन बॉइल्ड। तो ये सारे के सारे ही एक्सप्लेन करते हैं हम, वन बाई वन देखते हैं इसको। तो देखो, पहला वाले से स्टार्ट करते हैं कि बॉइल्ड और डिस्टिल्ड वाटर टेस्ट फ्लैट, क्योंकि बॉइल्ड वाटर कंटेन नहीं करता है मैटर जैसा कि एयर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल। तो इसीलिए वाटर जो बॉयल हो जाता है वो टेस्ट करता है, बिल्कुल फ्लैट टेस्ट करता है। नेक्स्ट है बी वाले में था कि आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड हैज ग्रेटर कूलिंग इफेक्ट देन 0 डिग्री सेल्सियस वाटर। तो जो आइस होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, वो एब्जॉर्ब करता है 336 जूल पर ग्राम टू मेल्ट टू 0 डिग्री सेल्सियस वाटर। आइस पहले वाटर में कन्वर्ट होता है एंड हेंस गिव मोर कूलिंग इफेक्ट। तो इसीलिए आइस ज्यादा कूलिंग इफेक्ट देता है। नेक्स्ट है आपका सी वाला कि बर्न जो कॉज होता है स्टीम से ज्यादा सीवियर होता है बॉइलिंग वाटर से। तो देखो, 1 ग्राम ऑफ स्टीम जो है कंटेन करता है 2268 जूल, और ये इवॉल्व करता है ज्यादा 1 ग्राम ऑफ बॉइलिंग वाटर से, ज्यादा हीट इवॉल्व होता है, और इसीलिए हेंस कॉजेज मोर सीवियर बर्न्स। आप देखोगे कि लिक्विड है, ठीक है, तो लिक्विड को क्या करोगे आप? बॉयल करोगे, तो बॉयल करोगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा, फिर लिक्विड पे और ज्यादा हीट जाएगा तो क्या होगा? वो स्टीम बनेगा। तो यानी स्टीम जो होता है वो ज्यादा कैरी करता है अमाउंट ऑफ हीट देन
लिक्विड एट 100, वो वाटर एट 100 डिग्री, ये 100 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग वाटर। नेक्स्ट वाला है कि रिवर एंड लेक्स डो नॉट फ्रीज इजिली। तो रिवर और लेक जो होता है उसके पास लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर होता है, और वाटर के पास हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है जो कि विदस्टैंड कर सकता है जो है टेम्परेचर के साथ, लो टेम्परेचर के साथ, तो जिसकी वजह से ये फ्रीज नहीं करता है इजिली। और अगर फ्रीज भी करता है तो फ्रीज करता है सिर्फ टॉप लेयर, और देयर इज वाटर बिलो ड्यू टू एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। वो हमने एनोमलस एक्सपेंशन देखा है कि सरफेस फ्रीज कर जाएगा तब भी जो वाटर होगा नीचे कैसा रहेगा, बिल्कुल लिक्विड स्टेट में होगा। फिर देखते हैं लास्ट वाला, लास्ट नहीं फिफ्थ वाला, कि एयर डिजॉल्व्ड इन वाटर कंटेन हाई प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि जो सॉल्युबिलिटी होती है ऑक्सीजन की वाटर के अंदर वो ज़्यादा होती है देन इन एयर, एयर से ज़्यादा जो है कि वाटर में सॉल्युबल हो है ऑक्सीजन, तो सो एयर डिजॉल्व्ड इन वाटर कंटेन हायर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो इसीलिए ज़्यादा परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन होता है वाटर में। अब नेक्स्ट है कि अगर डिस्टिल्ड वाटर को सील्ड बॉटल में रख दिया जाएगा बहुत लंबे समय तक के लिए, तो इट लीव्स इट थिंग्स इचिंग्स है ऑन द सर्फेस ऑफ द ग्लास। तो अब इसका रीजन क्या है, बिकॉज द सब्सटेंसेज विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर, जो चीजें इनसॉल्युबल है वाटर में एक्चुअली वो भी डिजॉल्व होती हैं माइन्यूट ट्रेसेस में, बहुत स्मॉल स्मॉल अमाउंट में ये वाटर के अंदर वो भी डिजॉल्व होता है, इवन दो वो इनसॉल्युबल माना जाता है लेकिन फिर भी बहुत माइन्यूट ट्रेसेस उसके डिजॉल्व होते हैं। इवन वेन वी ड्रिंक वाटर, जब हम ड्रिंक करते हैं वाटर फ्रॉम ग्लास, एक एक्सट्रीमली स्मॉल अमाउंट जो है ग्लास का डिजॉल्व होता है वाटर में, तो इसीलिए हम लोगों को वो एचिंग्स दिखाई देती हैं सरफेस ऑफ ग्लास में जब काफी लंबे समय से सील्ड बॉटल जो है डिस्टिल्ड वाटर का पोर किया जाता है ग्लास के अंदर। तो करता क्या है ना कि वाटर उन उसके साथ जो है कि डिजॉल्व होता है वाटर में, वो मटेरियल डिजॉल्व होता है, ग्लास डिजॉल्व होता है, लेकिन इतना बहुत ज्यादा माइनर होता है इसीलिए हम उसको इनसॉल्युबल मानते हैं। नेक्स्ट लास्ट वाला है कि रेन वाटर डज नॉट लीव बिहाइंड कंसेंट्रिक रिंग व्हेन बॉइल्ड। तो टैप वाटर में तो रिंग बनता है लेकिन रेन वाटर में नहीं, क्योंकि रेन वाटर के अंदर डिजॉल्व्ड सॉलिड्स नहीं होते हैं इसीलिए कोई कंसेंट्रिक रिंग फॉर्म नहीं करता है। दैट्स ऑल फॉर दिस एक्सरसाइज, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में।